खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां राखी की दुकान लगाने को लेकर हंगामा हुआ और उसके बाद नौबत ये आ गई कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि शाहजहांपुर में उपद्रव करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक पूरे इलाके को कोर सेक्टर में बांटकर धार्मिक स्थलों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। देखिए, अभी हालात एकदम नियंत्रण में है और हम लोगों ने फोर्स का रिइंफोर्समेंट भी मंगा लिया है, क्योंकि रात का समय है तो इसमें हम लोगों ने इसको सेक्टर वाइज डिवाइड करके कुछ गांव से भी सूचना आई थी जो कि रूमर्स भी निकले हैं, बट उन गांव में भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। विवाद गुरुद्वारे के सामने राखी की दुकान लगाने को लेकर हुआ था, जिसे लेकर सेवादार ने लड़की के पैर में लाठी मार दी जिससे वो गिर गई। इसी बात पर ग्रामीणों और सिखों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तलवारबाजी और पथराव में कई लोग घायल हो गए। पुलिस पर भी पथराव किया गया, खुलेआम तलवारें लहराई गई। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। इस दौरान भीड़ ने दो बाइक में आग लगा दी।